मैं एक बार फिर आप सभी का एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी ये जो क्लास चल रही है इसमें एग्रोनॉमी और एग्रोनॉमी में भी हम लोग जनरल एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, और आज जनरल एग्रीकल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूं। जो टर्म्स आप लोग देखते हो रिलेटेड डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग फसलों में कई तरह की टर्म्स आती हैं और हम उनमें कंफ्यूज होते रहते हैं, तो आप चिंता ना करो, वीडियो के साथ आखिरी तक आप जुड़े रहेंगे और एक एक जो क्रिया है आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग सुगर केन से स्टार्ट कर रहे हैं। सुगर केन में सबसे पहली जो टर्म है वो है लॉजिंग। लॉजिंग का मीनिंग होता है फॉलिंग डाउन ऑफ क्रॉप ऑन अर्थ, फसल का हम लोग देखते हैं भूमि पर लेट जाना लॉजिंग कहलाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये क्रॉप है लेकिन ये यहां से इस तरह से बेंड होकर जमीन पर लेट गई है, इसी को कहा जाता है लॉजिंग। लेकिन यहां पर सतर्क रहने की जरूरत है, इसमें कई बार हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आता है लॉगिंग, ये अक्सर पूछा जाता है या इसके लिए यूज किया जाता है वर्ड वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है, या तो हम बोल सकते हैं जल भराव, पानी भर जाना, इस तरह की स्थिति को वाटर लॉगिंग कहा जाता है। ये ज्यादातर किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है पेड़ी से या धान से, धान में जो पानी भरा जाता है उसकी बात होती है, तो वाटर लॉगिंग। लेकिन यहां पर लॉजिंग आ रही है, लॉजिंग को हम इस तरह से कहते हैं कि लेट जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस है, पूछी जाती है अक्सर। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो सुगर केन में ही आगे आता है ट्रेसिंग और डी ट्रेसिंग। ट्रेसिंग भी कहते हैं और डी ट्रेसिंग भी कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ड्राई एंड ग्रीन लोअर लीव्स फ्रॉम सुगर केन, मतलब गन्ने के अंदर जो तना होता है उसके निचले सिरे पर जो सूखी या अतिरिक्त शाखाएं तो नहीं बोलेंगे, पत्तियां होती हैं, उन्हें काट दिया जाता है। जैसे फार्मर आप देख रहे होंगे कि ये गन्ने के तने के निचले हिस्से पर जो पत्तियां हैं उन्हें हटा रहा है, और उसी को कहा जाता है ट्रेसिंग या डी ट्रेसिंग। चलिए आगे हम लोग चलेंगे, आगे हमारे पास आता है सुगर केन में ही ब्रेपिंग, टाइंग या प्रोपिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ, द एक्ट ऑफ गिविंग सपोर्ट टू सुगर केन। जब भी प्रोपिंग शब्द आ जाता है, इस प्रोपिंग का मतलब होता है सहारा प्रदान करना, सपोर्ट देना या सहारा प्रदान करना। अब गन्ने में अपस्थानिक जड़ें हैं और इसकी जो हाइट है आप जानते हो कि काफी हाइट होती है, गन्ने की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, 8-10 फीट उससे भी ज्यादा गन्ना ऊंचा हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में कई बार गन्ने की फसल गिर जाती है, लेट जाती है, लॉजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, गन्ने के जो कुछ तने होते हैं उन्हें एक साथ इकट्ठा करके पत्तियों की सहायता से बांध देते हैं ताकि ये एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, इस तरह से बांध दिया जाता है। इस प्रैक्टिस को ही कहा जाता है ब्रेपिंग, टाइंग और प्रोपिंग। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, हाँ एक मिनट, ये टाइंग की जो प्रोसेस है ये की जाती है अगस्त में, अगस्त के महीने में इसे किया जाता है, ये इसका समय है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सुगर केन में एरोइंग। अब ये जो एरोइंग है इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, रिमूव सुगर केन फ्लावर। सुगर केन का जो फ्लावर होता है उसे कहा जाता है एरो। ये जो आप देख रहे हो यहां पर, ये सुगर केन का फ्लावर है, इसी को कहा जाता है एरो। ये एरो मतलब तीर की तरह ये आपको नजर आ रहा है इस तरह से, इस कारण से इसे एरो कहा जाता है। और जब हम इसे हटा देते हैं, इसे काट देते हैं, निकाल देते हैं, तो इस क्रिया को कहा जाता है एरोइंग। एरो को हटाना यह प्रक्रिया कहलाती है एरोइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे फिर सुगर केन की ही बात की जा रही है। सुगर केन में आगे आता है रेटूनिंग। रेटूनिंग का मीनिंग होता है सेकेंड क्रॉप फ्रॉम फर्स्ट क्रॉप वेजिटेटिव पार्ट आर रूट्स। इसे हम लोग रेटूनिंग को पेड़ी या पेड़ी की फसल भी कहते हैं। गन्ना पेड़ी आपने सुना होगा, उसी को रेटूनिंग कहा जाता है। सुगर केन में या गन्ने में हम एक बार क्रॉप जब मेच्योर हो जाती है उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, फिर इसकी जो रूट्स होती हैं
इससे अगर हम सेकेंड क्रॉप ले रहे हैं तो इसे कहा जाएगा रेटून क्रॉप, और इस टर्म को या प्रैक्टिस को हम लोग बोलेंगे रेटूनिंग। इसी तरह से नेक्स्ट आता है अर्थिंग अप। अर्थिंग अप को हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, इसे कहा जाएगा मिट्टी चढ़ाना। मिट्टी चढ़ाने का काम किया जाता है, ये भी लॉजिंग से बचाने के लिए, सुगर केन को या गन्ने को सपोर्ट देने के लिए अर्थिंग अप करते हैं, मिट्टी चढ़ाने का कार्य करते हैं। एक्ट ऑफ गिविंग मोर सॉइल फॉर ग्रोथ एज वेल एज सपोर्ट ग्रोथ इन ग्राउंडनट एंड पोटेटो एंड सपोर्ट इन सुगरनट। देखो ग्राउंडनट और पोटेटो में हम लोग ग्रोथ के लिए इसको दे करते हैं इस प्रैक्टिस को, लेकिन सुगर केन में ये प्रैक्टिस किसके लिए होती है, तो सपोर्ट के लिए। मतलब पोटेटो में भी और ग्राउंडनट में भी हम लोग अर्थिंग अप करते हैं, ठीक है। तो ये सुगर केन से रिलेटेड इतनी सारी प्रैक्टिसेस हमने यहाँ पर देखी। चलिए आगे हम लोग आते हैं, तो आगे राइस आता है या पेडी से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। पेडी में प्रैक्टिस आती है पर बॉइलिंग। पर बॉइलिंग को हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं गर्म जल उपचार, या इसे कहा जाता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। ये जो ट्रीटमेंट है इसमें करते क्या है, तो इस ट्रीटमेंट में हम लोग बोल रहे हैं प्रोसेस ऑफ पार्शली बॉइलिंग ऑफ राइस इन द हस्क। हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जब पेडी में क्या की जाती है, मिलिंग करते हैं, मिलिंग जब इसके अंदर की जाती है तो इसमें लॉस होता है विटामिन बी का, और इस विटामिन बी के लॉस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम बिफोर मिलिंग कौन सी प्रैक्टिस करते हैं, पर बॉइलिंग करते हैं या गर्म जल उपचार करते हैं, ताकि ये जो विटामिन बी है इसका लॉस या हानि ना हो, ठीक है। पॉलिशिंग के टाइम पर आप देखोगे ये लॉस होता है। इसी तरह से आगे हम लोग बात करते हैं तो हलिंग। ये जो हलिंग है इसका मतलब है सेपरेशन ऑफ हस्क एंड ग्रेन। मतलब पेडी से राइस हमारे को जो मिलता है, मतलब धान से चावल बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हलिंग कहा जाता है। अगर आपने कभी इसको देखा हो इसके ग्रेन को, तो आप देखोगे इसके ग्रेन के अंदर ये जो इसका कवर है इसमें टू पार्ट्स होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं लेमा और एक को बोलते हैं पेलिया। लेमा और पेलिया, एक तरफ लेमा एक तरफ पेलिया, इस तरह से ये इसको कवर करके रखता है ग्रेन को। ये लेमा है और ये पेलिया है। इन दोनों को ही लेमा प्लस पेलिया इज इक्वल टू हल, और इस हल को अलग करना, सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है इसी को कहा जाता है हलिंग, ठीक है। 66% इसके अंदर हॉलिंग परसेंट होता है, ठीक है। और ये जो अभी हमने बात की थी मिलिंग परसेंट कितना होता है, तो 50-55% जो है ये मिलिंग परसेंटेज होता है, ठीक है। ये राइस या पेडी से रिलेटेड प्रैक्टिसेस है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे पेडी में आता है बुशनिंग। ये जो बुशनिंग की प्रोसेस है इसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्लॉइंग इन पेडी फील्ड। पेडी फील्ड में क्या करते हैं, जैसे पेडी है इसके फील्ड के अंदर हम लोग क्रॉस प्लॉइंग करते हैं, मतलब इसके अंदर हम लोग हल चला देते हैं धान की कतारों के बीच में। अब ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसके पीछे दो तीन रीजन होते हैं। सबसे पहला तो क्या हो गया, वीड कंट्रोल, है ना। यहां पर क्या होता है, वीड कंट्रोल हो जाएगा, मतलब खरपतवार नियंत्रण, इसके अलावा एरेशन हो जाएगा, मतलब हवा का आवागमन हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग बोलते हैं यहां पर क्या हो जाता है, तो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन, प्लांट की जो पॉपुलेशन होती है ये भी, अगर कोई सेंटर में प्लांट होगा तो वो भी कम हो जाएगा। ये सारी जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये सारे रीजन से हम लोग क्रॉस प्लॉइंग करते हैं, और इसी को कहा जाता है बुशनिंग। ये पेडी से रिलेटेड है। पेडी में ही आगे हम लोग बात कर रहे हैं रोप पुलिंग और फ्लैग लीफ क्लिपिंग। रोप पुलिंग या फ्लैग लीफ क्लिपिंग, इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले तो हमको फ्लैग लीफ समझना पड़ेगा। फ्लैग लीफ क्या होती है, जैसे आप ये देखोगे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये राइस का जो इनफ्लोरेसेंस बोल सकते हैं
या इसकी जो बाली निकलती है यहां पर, इसके ऊपर ये जो आपको लीफ नजर आ रही है इसको फ्लेगलिप कहते हैं। इसके कारण इसकी बाली को बाहर आने में, स्पाइक को निकलने में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फ्लेग लीफ है इसको कट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? फ्लेग लीफ क्लिपिंग। और इसके लिए एक काम और किया जा सकता है, और वो काम क्या है? रोप पुलिंग। जैसे आप यहां देख सकते हो कि ये जो महिला है ये रोप को, रस्सी को खींचते हुए इस तरह से चलती है। तो क्या होता है, जब ये चलेगी तो इसकी जो लीफ होती है वो इस तरह से रोप के उसमें आती है और वो रिमूव हो जाती है, अलग हो जाती है। ये प्रैक्टिस रोप पुलिंग या फ्लेग लीफ क्लिपिंग कहलाती है, ताकि इसकी बाली आसानी से बाहर आ सके। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस पर आने से पहले एक क्वेश्चन हमारे पास है, ADA 2009 एंड JRF का ये क्वेश्चन है। द प्रैक्टिस ऑफ क्रॉस प्लोइंग द यंग क्रॉप ऑफ राइस टू रिड्यूस वीड एंड वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ क्रॉप इज नोन एज। ये आंसर हमारे को करना है जल्दी से। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका आंसर आएगा बुशनिंग। बुशनिंग इसका राइट आंसर है। सभी का बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूं मैं, तो आगे आता है बनाना। बनाना में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस है। फर्स्ट आता है डी सकरिंग। डी सकरिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ सकर्स, रिमूवल ऑफ सकर्स। बनाना प्लांट अगर आपने देखा है तो आपको यहां पर बहुत सारी चीजें दिखेंगी। बनाना प्लांट में हम लोग ये देखते हैं कि ये जो स्टेम आपको दिख रहा है ये क्या है? स्यूडो स्टेम। स्यूडो स्टेम या इसे कहा जाता है झूठा तना, क्योंकि ये इसका वास्तविक तना नहीं है। इसका जो ओरिजिनल स्टेम या तना होता है ये यहां पर आपको अंडरग्राउंड दिखाई देगा, जिसको हम लोग कहते हैं राइजोम। राइजोम जो है ये इसका ओरिजिनल स्टेम होता है, वास्तविक तना होता है। और इस राइजोम से टाइम टू टाइम आप देखोगे यहां पर ऐसे प्लांट्स जो है, नए नए जो पौधे हैं वो निकलते रहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग बोलेंगे सकर या सकर्स। ठीक है, अब इस प्लांट के अंदर क्या होता है भाई, कि ये उसी तरह की प्रोसेस है कि जब तक सकर नहीं था सारे न्यूट्रिएंट प्लांट में ऊपर की तरफ जा रहे थे। ये उसी तरह की बात है जैसे आप देखोगे कि घर में पति पत्नी है, केवल दोनों पति पत्नी जब तक होते हैं तब तक सारा उनका प्रेम ध्यान एक दूसरे के ऊपर रहता है। लेकिन घर में बच्चा हो गया, आप देखोगे ये बच्चे की तरह, तब आप देखोगे कि जो मदर है उसका पूरा, माता का पूरा ध्यान बच्चे की तरफ चला जाता है, पौधे की तरफ या पिता की तरफ ध्यान कम हो जाता है। तो सेम यहां हो रहा है, अब न्यूट्रिएंट इधर नहीं जा रहे हैं, इधर जाना शुरू हो गए। और ये जो प्लांट है इसमें फ्रूटिंग हो रही है, फल लगने वाले हैं, और उस टाइम पे न्यूट्रिएंट नहीं जाएंगे तो पता चला लगने थे केले और रह गई छोटी छोटी केलियां, उसकी फिंगर्स जो है स्मॉल साइज की रह जाएंगी। और हम जब बनाना खरीदने जाते हैं, केला खरीदने जाते हैं, तो ऐसे छोटे केले खरीदना पसंद करोगे क्या? उसकी क्वालिटी बिगड़ जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो सकर है यहां पर आ रहा है, इस सकर को हमारे को यहां से क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, ताकि इसका प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। तो हमने कहा सकर्स, और सकर्स को हटाना क्या कहलाएगा? डी सकरिंग। डी मतलब होता है रिमूव करना या अलग करना, जैसे ये वर्ड आए समझ जाना। ठीक है, चलिए वेरी नाइस, आगे बढ़ेंगे। तो बनाना में एक और प्रोसेस आ रही है प्रॉपिंग। प्रॉपिंग के बारे में पहले भी बता चुका हूं, प्रॉपिंग का मीनिंग होता है सहारा देना, द एक्ट ऑफ गिविंग सपोर्ट ऑफ बनाना। हमने अभी पढ़ा कि ये जो स्टेम आपको दिख रहा है बनाना में, ये स्यूडो स्टेम है, झूठा तना है, खोखला होता है, समझे? ये खोखला होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, ऐसी कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इसका बंच होता है बनाना का, ये 40-50 केजी का हो सकता है, इससे ज्यादा का भी हो सकता है। अब इतना वेट आप देखोगे कि ये जो स्टेम है इसका स्यूडो, इससे सहन होने वाला नहीं है, पता चले टूट सकता है ये। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि इसको प्रॉपिंग मतलब सहारा देते हैं इस तरह से, है ना। वी हमने कहा एज वाली कोई हम वुडन पीस लेंगे, उसके ऊपर इसको इस तरह से रख देंगे। या फिर आप यहां पर देख रहे हो कि ये एक बंबू हमने ले रखा है बांस, और इससे इस तरह से हमने यहां पर सहारा दे रखा है, इसी को कहा जाएगा प्रॉपिंग। ठीक है,
नेक्स्ट, चलिए वेरी गुड। वनाना में ही रीना वेलिंग इसे कहा जाता है, इसे क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ मेल वर्ड इन बनाना। बनाना में जो मेल वर्ड होती है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। बनाना के अंदर आप देखोगे कि ये वाला जो वर्ड है ये इसका मेल पार्ट है भाई, मेल वर्ड है, मेल पार्ट है। हम लोग क्या कह रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं इसको, यहां से इसको हम लोग काट रहे हैं, अलग कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। इसी को क्या कहा जाता है, डिनावेलिंग। अब इसको काट रहे हैं, मेल को काट रहे हैं हम लोग। क्यों इसमें मेल को काटते हैं, तो आपको समझना है यहां पर कि इसमें जो फ्रूटिंग होती है वो पार्थेनोकॉर्पी से होती है। पार्थेनोकॉर्पी इसके अंदर होती है, इसका मतलब क्या होता है भाई कि जो फीमेल है वही फ्रूट प्रोडक्शन कर लेगी, फीमेल पार्ट ही फ्रूट प्रोडक्शन कर लेगा, मेल की यहां कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नर की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब आवश्यकता नहीं है तो इसे क्यों रखेंगे भाई, इसमें न्यूट्रिएंट जाएगा, तो इसमें हम लोग कट लगा देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। इसी को ही कहा जाता है डेना वेलिंग, समझ गए। मटोकिंग भी कई बार बोलते हैं, मटोकिंग में हम लोग क्या करते हैं, चीरे जैसा लगा देते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, चोक आर चोकिंग। चोक या चोकिंग कब कहेंगे, अ कंडीशन इन बनाना प्लांट इन विच द फ्रूट्स बंच फेल्स टू इमर्ज आर इमर्ज एब नॉर्मली ट्विस्टेड। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर जो हम फलों की बात कर रहे हैं, इसका ये जो गुच्छा होता है ये असामान्य रूप से मुड़ जाता है, एबनॉर्मल हो जाना, मुड़ जाना। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, आपको बिल्कुल नजर आ रहा होगा कि ये जो है इसका ये इस तरह से बेंड हो गया है, यहां पर ये अलग से आपको मुड़ा हुआ सा ये नजर आ रहा होगा, ये इस तरह से इसमें फल या उसका गुच्छा हो जाता है। इसी को क्या कहा गया, तो इसी को कहा जाता है चोक आर चोकिंग। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टोबेको। टोबेको या तंबाकू के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर फर्स्ट प्रोसेस आया प्राइमिंग। प्राइमिंग का मीनिंग क्या हुआ, डिटेचमेंट ऑफ मेच्योर लीव्स फ्रॉम वाटम। जो टोबेको की मेच्योर लीफ है इनको कहां से कट कर रहे हैं, तो बॉटम से, ये वाली जो लीव्स हो रही हैं इनको हटाना। बॉटम से जब हटाया जाता है मतलब निचली पत्तियों को या पकी हुई निचली पत्तियों को हटाना, निकालना, इसे कहा जाएगा प्राइमिंग। जबकि नेक्स्ट आता है टॉपिंग। टॉपिंग का मीनिंग क्या हो जाएगा, डिटेचमेंट ऑफ टॉप लीव्स, मतलब ऊपर वाली पत्तियों को, आप देख सकते हो ये वाली जो पत्तियां हैं ऊपर वाली, इन्हें हटाना क्या कहलाएगा, टॉपिंग। निचली पकी हुई पत्तियों को हटाएंगे तो क्या कहेंगे, प्राइमिंग, और ऊपर वाली पत्तियों को हटाएंगे तो क्या कहेंगे, टॉपिंग। ये टोबेको की प्रैक्टिस है। नेक्स्ट हम लोग टोबेको में ही बात करते हैं डी सकरिंग, रिमूवल ऑफ सकर्स। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान में रखना है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हमने डी सकरिंग पढ़ा था किसमें, तो डी सकरिंग हमने पढ़ा था बनाना में। बनाना में डी सकरिंग हमने देखा कि जो सॉइल में उसका राइजोम है, मेन स्टेम है, उससे जो ब्रांचेस आ रही है उनको सकर्स कहा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मामला अलग है, यहाँ हम जो सॉइल सरफेस है उसके पास ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसका जैसे कि इसका ये आपको स्टेम दिख रहा है मेन, इसके पास से ये लीफ है, और यहां से आप लोग देखोगे कि अदर ब्रांच जो है ये निकलती है, इसकी ग्रोथ होती है, दूसरी ब्रांच यहां से निकलती है उसकी ग्रोथ होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से ये जो ब्रांच निकलने वाली है इसको कट कर देते हैं, ये यहां पर कहलाएगा क्या, डी सकरी। तो टोबेको में अलग है और बनाना में अलग है। नहीं तो आप सोचोगे सर टोबेको में भी क्या जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है, समझ गए। ये हम लोग क्यों करते हैं, तो उसका रीजन आपको समझ लेना है। करने का रीजन ये है कि अगर और हमने देखा ब्रांचेस निकल जाएगी तो यहां पर क्या है कि लीव जो है यही वैल्यूएबल होती है, इसकी पत्तियां ही मुख्य होती हैं। तो पत्तियों का अच्छे से डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, विकास हो, इसके लिए हम लोग सकर्स जो हैं उनको निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो अगली चीज आती है उसको क्या बोलेंगे, क्यूरिंग।
क्यूरिंग का मतलब होता है ड्राइंग ऑफ लीव्स, पत्तियों को सुखाना या पकाना। इस तरह से आप देखते हो कि ये पत्तियों को इस तरह से टांग दिया जाता है, ये इस तरह से, और धीरे धीरे आप देखोगे इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है, इसे कहा जाता है क्यूरिंग। एक और प्रैक्टिस है टोबेको में, क्या नाम है, रेविंग। रेविंग का मीनिंग क्या हुआ, बर्निंग ऑफ स्ट्रॉ ऑन द सरफेस टू मेक सीड बेड फ्री फ्रॉम पेस्ट। मतलब ये हुआ कि जो क्रॉप के जो रेसिड्यूज होते हैं, उसकी जो पत्तियां होती हैं, हम लोग उसको जला देते हैं, आग लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि जमीन के ऊपर जो पेस्ट हैं वो चले जाएंगे। बट ये बहुत ही हार्मफुल प्रैक्टिस है, बहुत ही नुकसानदायक क्रिया है, वातावरण के लिए भी बहुत खराब है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, प्रदूषण बढ़ जाता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि सॉइल की सरफेस पर जो इंसेक्ट पेस्ट है उसके साथ साथ बेनिफिशियल इंसेक्ट पेस्ट भी होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, वो सब भी इनके साथ जलकर राख हो जाएंगे। तो बहुत ही खराब प्रैक्टिस है, ये कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक पदार्थ का स्रोत है, इसे सॉइल में रखना चाहिए, सड़ाना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारा विवाद चलता है, जैसे पंजाब हरियाणा में धान आदि में पराली जलाने का आपने सुना होगा, एमपी में और दूसरे स्टेट में जहां पर गेहूं वगैरह की हार्वेस्टिंग हार्वेस्टर से जो होती है, कंबाइनर से हार्वेस्टिंग करवाते हैं, वो लोग भी नरवाई जला देते हैं। तो ये बहुत ही नुकसानदायक क्रिया है। आप लोग जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अधिकारी बनेंगे तो आपको इसे रोकना है, समझाना है फार्मर्स को, ठीक है। बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर का नुकसान है, पॉल्यूशन भी हम लोग फैला रहे हैं, वातावरण के लिए नुकसानदायक है, और सॉइल की फर्टिलिटी में भी ये नुकसानदायक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो एक क्वेश्चन आ गया, द प्राइमिंग इन टोबेको इज रिफर्स टू, JRF 2011 का ये क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो जरा प्राइमिंग का मतलब क्या हो गया। वेरी गुड, वेरी नाइस, 100% करेक्ट आंसर आ रहा है आपका, सी, रिमूवल ऑफ लीव्स। रिमूवल ऑफ लीव्स, ये रिमूवल ऑफ सकर्स को तो डी सकरिंग हम लोगों ने कहा था, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, आगे बढ़ूंगा मैं। नेक्स्ट ग्राउंडनट, ग्राउंडनट हमारे पास आया, ग्राउंडनट में भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ये कौन कौन सी प्रैक्टिस है, तो इसमें फर्स्ट आता है सेलिंग। सेलिंग, अब सेलिंग का मतलब क्या हुआ, तो आप देखेंगे सेपरेशन ऑफ कर्नल्स फ्रॉम पोड, ये हमने कहा ग्राउंडनट का क्या है, पोड है। अब ये पोड से हम लोगों को क्या मिल रहा है, तो ये हमने कहा इसका जो सीड होता है इसको हम लोग बोलते हैं कर्नल। तो पोड से कर्नल हमारे को प्राप्त करना है, मतलब फली से दाना हमारे को बनाना है, इस प्रैक्टिस को ही क्या कहा जाएगा, सेलिंग। अब इसको सेलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप ग्राउंडनट को अगर देखेंगे, ये तो ग्राउंडनट में ये जो बाहर का कवर होता है, कवर, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल, और इसको रिमूव करना, इस प्रोसेस को ही बोलेंगे सेलिंग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्राउंडनट में पेगिंग। ये पेगिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राउंडनट की एक प्रैक्टिस है, ये हम लोग देखते हैं 55 डेज आफ्टर सोइंग, बुआई के 55 दिन बाद ये प्रैक्टिस या ये प्रोसेस होती है। इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ पेग फ्रॉम फ्लावर्स। आप देखेंगे ये ग्राउंडनट का हम लोग यहाँ पर प्लांट को देख रहे हैं, ये इसके फ्लावर्स हैं। अब फ्लावर्स हमने देखा इसका एरियल पार्ट है, मतलब जमीन के ऊपर फ्लावर होते हैं, बट इसकी जो हम लोगों ने बात की जो पोड होती है ये अंडरग्राउंड होती है, सॉइल में होती है। तो आफ्टर हम लोग बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन, यहां पर आप देखोगे इस तरह से ये जो आपको रेसे जैसे दिख रहे हैं, सुइयां निकलने की अवस्था भी कहा जाता है, इसी को कहा जाता है पेग, और ये जो पेग है इन्हीं में डेवलप होगी पोड। ये तो अगर ये अच्छे से डेवलप होंगे तो ही पोड बनेगी, फलियां बनेंगी, याद रखना। तो इस प्रैक्टिस को कहा जाता है पेगिंग।
याद रखना, इस समय हमारे को हम लोग बोल सकते हैं क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन की ये क्रिटिकल स्टेज है। इस टाइम पर अगर इरिगेशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन में बहुत लॉस होगा। और हम लोग क्या बोलते हैं कि इस कंडीशन पर नो इंटर कल्चर ऑपरेशन इन फील्ड, मतलब हमें कोई भी भू परिष्करण कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेग अगर डैमेज हो जाएंगे तो पॉड नहीं बनेगी और प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और इरिगेशन के लिए भी हम लोग बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्रिटिकल स्टेज है। इस टाइम पे सॉइल में मॉइस्चर मस्ट रिक्वायर्ड होता है, बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, चलिए तो ग्राउंडनट की ये प्रैक्टिसेस हो गई। आगे हम लोग बात करते हैं ग्राउंडनट में पॉपिंग। पॉपिंग ये सॉइल फर्टिलिटी वाले पार्ट्स में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हेन कर्नल एडिबल पार्ट आर नॉट डेवलप इन पॉड ऑफ ग्राउंडनट ऑकर ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी। कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण हम लोग देखते हैं कि इसकी जो पॉड होती है इसमें सीड का डेवलपमेंट नहीं होता है, या बहुत ही स्मॉल छोटे से पतले से इसके ग्रेन कर्नल या सीड रह जाते हैं। इसको कहा जाता है पॉपिंग। पॉपिंग मतलब पॉलीफली। पॉलीफली इसे कहा जाता है, या पॉलीफली रोग कहा जाता है। कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। आपको एक चीज और बता रहा हूं, ये हमारे पास है होलो हार्ट। होलो हार्ट, अब ये होलो हार्ट जो है ये बोरान की डिफिशियंसी से होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो इसका ग्रेन होता है, कर्नल होता है, ये अंदर की तरफ से खोखला जैसा आपको दिखाई देगा, इसी को कहा जाता है होलो हार्ट। पॉलीफली में फली में दाना नहीं बनेगा और इसमें दाना अंदर की तरफ से आपको खोखला दिखाई देगा। अरे समझ में बात आ रही है? हाँ, राजेंद्र यादव जी कह रहे हैं मूंगफली में दाना नहीं और हम तुम्हारे मामा नहीं। वेरी गुड, ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है अर्थिंग अप। अर्थिंग अप मतलब मिट्टी चढ़ाना। इसको हम पोटेटो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहां पर अब डिस्कस में इसको नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं कॉटन। कॉटन में बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। फर्स्ट है पिकिंग। कॉटन कलेक्शन फ्रॉम फील्ड या हार्वेस्टिंग भी इसको कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कपास बिनना या कपास चुनना। कपास को बिनने या चुनने की जो क्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है? पिकिंग कहते हैं। आप देख सकते हो कि ये कॉटन का फील्ड है। कॉटन का जो बॉल है ये मैच्योर हो जाता है, इस तरह से खुल जाता है, इसके ऊपर कॉटन होता है, इसको कलेक्ट यहां से कर लेते हैं, इसी को कहा जाएगा पिकिंग। अब पिकिंग के बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या आती है? जिनिंग। जिनिंग का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम कॉटन सीड। ये जो कॉटन है इससे हम लोग फाइबर को, फाइबर मतलब लिंट, हम लोग इसके फाइबर को क्या बोलते हैं? लिंट। ये जो लिंट है और जो इसका सीड है इसको सेपरेट कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। ये मशीन में आप लोग देख रहे हो गिनिंग या जिनिंग का काम चल रहा है। ठीक है, हाँ। वेजिटेटिव पार्ट्स इसको हम लोग बोलेंगे कि जो जूट है, किनेफ है, सेसवानिया है, इनमें जो आप देखोगे कि इनके जो फाइबर होता है ये किससे, हमने बात की किस पार्ट से हमको मिलता है, तो ये इसके सेकेंडरी फ्लोएम से मिलेगा या स्टेम से मिलेगा। ये आपको याद रखना है, कहां से मिलेगा? स्टेम से। बट कॉटन का जो फाइबर होता है ये किससे मिलता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट, या हम लोग बोल सकते हैं इसका जो फ्रूट होता है, फ्रूट, ये हमारे को ध्यान रखना है, यहां से हमारे को कॉटन मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस पर मैं आता हूं। तो फिर क्या हो गया? नेक्स्ट है डीलिंटिंग। सीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम कॉटन फाइबर। आप देखोगे कि जब हम लोग
गिनिंग या जिनिंग करते हैं तो हमें इस तरह से इसके सीट मिलते हैं, मतलब इसके सीट के ऊपर कुछ लिंट का पार्ट अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस लिंट को अलग करके इस तरह का जो सीड है ये हमारे को बनाना है, प्राप्त करना है। तो इस प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे, डी लिंटिंग। और इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसकी हेल्प से हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। या फिर कई बार आपने देखा होगा गांव में लोग क्या करते हैं, सोइंग के टाइम पर जब प्रॉब्लम आती है, JKH Y1 एक वेराइटी बड़ी फेमस है कॉटन की, इसमें इसका जो ग्रेन होता है इसके ऊपर क्या होता है भैया, तो इसके ऊपर होता है फाइबर। तो इस फाइबर से सोइंग में प्रॉब्लम आती है, इसलिए वो थोड़ा सा क्या करते हैं, गोबर पानी मिलाकर सीड को इस तरह से घुमाते हैं, उससे भी वो चिपक जाता है, ठीक है। लेकिन इसके कारण जर्मिनेशन थोड़ा सा स्लो होता है और बहुत सारा फंगल जो है डिजीज उसका इसके ऊपर अटैक भी हो सकता है, इसलिए इसको इस वाले कॉटन का सीड हमारे को सोइंग के लिए यूज करना चाहिए। देन आता है कॉटन में क्या, टॉपिंग। के टॉपिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर बात पहले भी कर चुके हैं, आपको याद हो ग्राउंडनट में, सॉरी हम लोग टॉपिंग को पढ़ चुके हैं टोबेको में। रिमूवल ऑफ अपर वर्ड्स, ये अपर वर्ड को यहाँ से रिमूव कर दिया है, हटा दिया है ताकि इसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो, समझ गए, ब्रांचिंग ज्यादा हो। इस प्रैक्टिस को ही क्या कहा जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टॉपिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास आ गया, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम सीड कॉटन इज कॉल्ड, JRF 2013 क्वेश्चन है, जल्दी बताना है क्या आएगा, वेरी नाइस, इसे कहा जाएगा जिनिंग आर गिनिंग, दोनों तरह से इसको पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है केमिकल डिलिंटिंग ऑफ कॉटन सीड कैन बी डन विथ IBPS 2016 का क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताना है। सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 जो कि अभी मैंने आपको बताया था, गंधक अम्ल भी इसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट सनफ्लावर में हम लोग बात कर रहे हैं पिंचिंग एंड इसको निपिंग भी कहा जाता है, पिंचिंग आर निपिंग। पिंचिंग या निपिंग को क्या बोल रहे हैं, टू प्रमोट मोर एंड लॉन्गर ब्रांचेस, ये तो इसका रीजन हो गया, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो ये जो इसकी ब्रांच होती है इसका जो एंड होता है इसको 2-3 लीव्स के साथ हम लोग क्या कर देते हैं, प्लांट से डिटेच कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो एक तरह से टॉपिंग वाली ही प्रोसेस है, बट इसमें हम लोग केवल इसके स्टेम में नहीं कर रहे हैं, सारी ब्रांचेस में हम लोग इसका आखिरी वाला भाग 2-3 पत्ती के साथ तोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं पिंचिंग आर निपिंग। नेक्स्ट आता है सनफ्लावर में हेलियोट्रोपिज्म, द फैसिनेटिंग फिनोमिनो ऑफ फ्लावर फॉलोइंग द सन अक्रॉस द स्काई, इसका मतलब होता है सूर्य का पीछा करना। तो सूर्यमुखी जो है आपने देखा होगा ये क्या करता है, ये सूर्य जैसे यहां पर है, धीरे धीरे सन का डायरेक्शन चेंज होगा, इसी के साथ इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को बोलते हैं हेलियोट्रोपिज्म। हाँ, एक चीज और आती है यहां पर, फोटोट्रोपिज्म। अब फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, लाइट को फॉलो करना या लाइट की साइड जो है ग्रोथ जब होती है तब हम लोग बात करते हैं। जैसे किसी अंधेरे कमरे में हमने पौधे को लगा रखा है, साइड में खिड़की है, तो प्लांट जो है उस खिड़की की तरफ जिधर से लाइट आ रहा है उधर उनका डायरेक्शन हो जाता है, उसको बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। और जब सन को फॉलो करता है तो इसको क्या बोलेंगे, हेलियोट्रोपिज्म। दोनों में ये डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है। फोटो इनसेंसिटिव अलग बात है, जो आप बोल रहे हैं वो होती है प्रकाश निष्प्रभाविता, वो अलग चीज है, वो दीप्तिकालिता में फोटो पीरियड में आता है, ये एक अलग बात है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं टी
टी में क्या होता है, टिपिंग, प्लकलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम टी, मतलब चाय की जो पत्तियों को चुना जाता है, तोड़ा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, टिपिंग। और क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग ऑफ लीव्स, जैसे टोबेको में भी हमने पढ़ा था उसी तरह से इसकी पत्तियों को सुखाया जाता है, ये बात उसकी हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ूंगा मैं। आगे आता है जूट। जूट में हम लोग करते हैं रेटिंग। अब रेटिंग का मीनिंग क्या हुआ, टाइट बंडल्स ऑफ जूट स्ट्रैप्स आर टेकन टू द टैंक बाय विच फाइबर्स गेट लूजन एंड सेपरेट फ्रॉम द वुडी स्टॉक। इसका मतलब ये होता है कि हमने क्या अभी बात की थी कि जूट में हमारे को इसके स्टेम से फाइबर मिलेगा, मतलब इसकी जो बार्क होती है, छाल होती है, उसी में फाइबर होता है। लेकिन अगर आप सिंपल उसकी वार्क को अलग करने जाओगे, थोड़ी सी निकलेगी और टूट जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेटिंग करते हैं। रेटिंग मतलब इसके जो बंडल्स होते हैं उनको इस तरह से पानी के अंदर डाल देते हैं। अब पानी के अंदर डालने से क्या होता है कि इसका जो बूडी स्टेम होता है उससे इसका जो बार्क है या छाल है वो लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है, तब इसको रिमूव करना बहुत इजी होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिंग। देन क्या आ रहा है, स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग में क्या कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फाइबर फ्रॉम द स्टॉक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेटिंग। रेटिंग में क्या हो रहा है, इसमें हमने कहा था फाइबर लूज हो जाएगा, लूज होने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं इसके स्टेम से। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्ट्रिपिंग। इसके बाद हम लोग एक और प्रैक्टिस देखते हैं, रिवोइनिंग या रिवन रेटिंग। अब याद रखना ये भी रेटिंग का ही एक टाइप है, ये थोड़ी सी अलग प्रैक्टिस है, किस तरह से होती समझना जरा। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि हम इसके बंडल बनाकर पानी में डाल रहे हैं। अब आप सोचो कि कितना एरिया लगेगा, बहुत सारी जगह लगेगी, इतना पानी होना उसके अंदर इसको डालना थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसको थोड़ा सा इजी हमने कर दिया। यहां पर रिवनिंग में क्या हो रहा है, इन रिवन रेटिंग रिवन्स आर स्ट्रिपेड आउट मैकेनिकली फ्रॉम द स्टेम ऑफ मेच्योर जूट प्लांट्स क्वाइल्ड एंड अलाउड टू रेट अंडर वाटर। इसमें क्या करते हैं, एक मशीन होती है, उस मशीन से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो जूट है इसके स्टेम से इसकी वार्क को रिमूव कर लेते हैं, छाल को अलग कर लेते हैं, रेसा और उसके साथ पूरी छाल को अलग कर लिया पहले और स्टेम को हटा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब केवल पानी में इस छाल को डालेंगे रेटिंग के लिए। तो क्या होगा, कम जगह में हम ज्यादा उसकी रेटिंग कर पाएंगे। समझ गए, अरे क्लियर हो गया। तो ये हमारे को प्रैक्टिस याद रखना है, किससे रिलेटेड है ये, तो जूट से रिलेटेड है। फिर आते हैं पोटेटो में। पोटेटो में आता है डी हॉल्मिंग, कटिंग ऑफ प्लांट्स बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ पोटेटो। डी हॉल्मिंग, इसे हिंदी में विपलालन भी कहा जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आलू की खुदाई के पहले ही हम इसकी पत्तियों को काट देते हैं, पत्तियों को काट दिया जाता है और उसको अलग कर लिया जाता है। इस तरह से आप लोग देखोगे, इसे हम लोग बोल रहे हैं हार्वेस्टिंग ऑफ पोटेटो, बिफोर हम लोग उसके क्या करते हैं, कटिंग ऑफ प्लांट करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, तो डी हॉल्मिंग हम लोग करते हैं, इसको कहा जा सकता है फॉर वायरस फ्री सीड। हमारे को वायरस फ्री मतलब वायरस रहित बीज प्राप्त करना है, मतलब इसके जो कंद होते हैं ट्यूबर, ये हमारे को अगर कैसे चाहिए, वायरस फ्री चाहिए, विषाणु रहित हमारे को अगर इसके कंद चाहिए, बीज चाहिए, इसके लिए डी हॉल्मिंग की जाती, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। इसके अलावा अर्थिंग अप को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए एक बार फिर से मैं यहां नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं बता रहा हूं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो फिर आता है मेज। मेज में हम एक प्रैक्टिस करते हैं जिसका नाम है डी टेस्लिंग का मतलब है रिमूवल ऑफ मेल पार्ट फ्रॉम फ्लावर। आप यहां पर देख सकते हो कि मेज में ये इसका मेल पार्ट है, और मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, तो मेल पार्ट को बोलते हैं टेसल, और टेसल को रिमूव करना
क्या कहलाएगा? डी टेस्लिंग। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल बात है। इसके बाद आता है लूसर्न। लूसर्न में हम लोग करते हैं लूपिंग। ये लूसर्न या रिजिका जो है ये फोडर क्रॉप है। इसमें क्या किया जाता है? लूपिंग मतलब रिमूवल ऑफ ऑल टॉप ब्रांचेस इन फोडर। ये आप यहां देख सकते हो कि इसमें ये जो ऊपरी हिस्सा होता है इसे कट कर दिया जाता है, इसी को बोलेंगे लूपिंग। फिर हम लोग देखते हैं कि और प्लांट की ग्रोथ हो जाती है और मल्टी हार्वेस्टिंग हम लोग इसमें कर सकते हैं, कई बार कटाई की जा सकती है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आया केस्टर। केस्टर या अरंडी में हम लोग क्या करते हैं? पिंचिंग और निपिंग, ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं। रिमूवल ऑफ एपिकल मेरिस्टेम बाय हेड आर नाइफ टू प्रमोट ओनली वन वर्ड डेवलपमेंट 40-45 days आफ्टर सोइंग, ये काम किया जा रहा है। देखो आपको यहां क्लियर दिख जाएगा डिफरेंस। ये इसका स्टेम है, हमने इसको यहां से कट कर दिया। अब कट कर दिया तो सेकंड वाले में आप देख रहे हो कि यहां से टू ब्रांचेस जो हैं ये निकल गए। बस बहुत ही सिंपल है, पिछले भी मैं आपको क्रॉप में बता चुका हूं। इसके अलावा टोमेटो में क्या आता है? स्टॉकिंग। स्टॉकिंग भी कहा जाता है इसको। स्टॉकिंग मतलब क्या हो रहा? टाई द स्टेम ऑफ टोमेटो प्लांट्स टू द सपोर्ट स्ट्रक्चर एवरी 6 or 8 inches एज दे ग्रो। मतलब इसका ये हो रहा है कि भाई टमाटर में आप देख रहे हो इस तरह से यहां पर फ्रूटिंग हो रही है ये, और ये करीब आधा किलो से लेकर 1 kilo तक इसका वेट। अब इसकी ब्रांच से ये वेट या वजन सहन होने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं भाई, यहां पर इसको सपोर्ट देते हैं। ये ऐसे वायर हमने यहां पर लगा दिए, 6 to 8 inches के डिफरेंस पर ये वायर लगा दी। अब क्या होगा, इसका पूरा जो वजन है वो उसके ऊपर आएगा और आप देखोगे कि हमारे को अच्छे से टोमेटो का प्रोडक्शन मिल जाएगा। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आते हैं ग्राम। ग्राम में निपिंग और टॉपिंग, ये इस तरह से आप देख रहे हो। निपिंग टॉपिंग की हम बात कर चुके हैं। रिमूव ऑफ अपर वर्ड्स, ये ब्रांचिंग को इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ये प्रोसेस की जाती है। याद रखना कि ये ओनली डन इन देसी चिकपी, देसी में ही होता है ये, ध्यान रखना। जो काबुली होता है, हाँ भाजी तोड़ना, वेरी गुड, काबुली में हम लोग बात करते हैं या डॉलर आप लोग जिसको चना कहते हैं उसमें ये क्रिया नहीं होती है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सोयाबीन। सेटरिंग, क्रेकिंग ऑफ पोड्स, या इसे कहा जाता है फली चटकना। देखो जब पूरी तरह से ये परिपक्व हो गया पौधा और फिर अगर आप इसकी हार्वेस्टिंग में अगर लेट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसकी जो पोड्स होती है वो क्रेक हो जाती है, फली चटकना बोलते हैं, सीड या ग्रेन वहीं रह जाएगा। तो इससे हमारे को, इस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? सेटरिंग। तो हमारे को टाइम से इसकी हार्वेस्टिंग कर लेना चाहिए, सोयाबीन में होती है। इसके बाद अहिल्या फोर जो वेराइटी है, अहिल्या फोर में सेटरिंग नहीं होती है, याद रखना। ये किसकी अच्छी वैरायटी है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तो ग्राउंडनट, सॉरी सोयाबीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो कि जनरल एग्रीकल्चर में आती है, ये मैंने आपको बताई, बहुत काम का है, अच्छे से समझना है, पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।